देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। मैं प्यार की पुजारन, मुझे प्यार चाहिए, रब जैसा ही सुंदर मेरा यार चाहिए। अभी जी, I'm sorry, आप प्यार की पुजारन है ही नहीं, आप प्यार की पुजारन हो ही नहीं सकते। हाय दिया, ऐसे काहे काहे ना ही हो सकते हैं। भाभी जी, आप प्यार की पुजारन नहीं है। आपको पता है, अगर आप प्यार की पुजारन होती ना, तो इस वक्त आपके और हमारे प्यार के चर्चे हो रहे होते हैं मोहल्ले में। भाभी जी, आप प्यार की पुजारन हो ही नहीं सकते। कुछ भी बोलते हैं आप, काहे ना आई है। हम लड्डू के भैया की प्यार की पुजारन है। तो ये कह लीजिए कि आप शैतान की पुजारन है। आप हमारे लड्डू के भैया को शैतान बोले रहे, कछु भी, वो तो प्यार के देवता हैं। हवस के पुजारी हैं वो। उप्रेम जोगी हैं। जोगी नहीं है, रोगी हैं, बहुत बड़े भोगी हैं। चुप कीजिए आप, कछु भी ना ही बोलिए हमारे लड्डू के भैया के बारे में। हम कछु और ना ही सुनेंगे, हम जा रहे हैं। भैया एक मिनट, माई हार्टफेल्ट अपॉलॉजीज, मैं माफी चाहूंगा, मैं मजाक कर रहा था, बस जस्ट जोकिंग। बदतमीज आपके लिए सही हो गया, हम गलत हैं। हाँ तो काहे ना ही, आप हमारे लड्डू के भैया के बारे में जो उल जुलूल मजाक कर रहे थे वो का। I'm sorry, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। I chew my words and I swallow them, I shove them up my throat, okay? जो भी बोले रहे आप ठीक बा। और बताइए क्या चल रहा है, इस बार आप किसके साथ मनाएंगे वैलेंटाइंस डे? किसके साथ मनाने का इरादा है कका मतबल है? हाँ, हम का कोनो एरे गेरे नथु खैर है? भाभी जी, खैर तो एक ही है इस कंट्री में, और उनका नाम है अनुपम खैर। आप खैरे कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं आप तो, हमको कोनो एरे गेरे नथु खैर है समझते हैं। अब बैल का टाइम तो हम लड्डू के भैया के साथ ही मनाएंगे। ऑब्वियसली बैल के साथ आप टाइम स्पेंड करेंगी। आप वैलेंटाइंस कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। वो जो प्रेम का त्योहार होता है ना, वो हम लड्डू के भैया के साथ ही मनाते आए हैं, मनाएंगे और मनाते रहेंगे। भाभी अब तो बुरा मान गई। जरूर आपने भाभी माँ की शान में कोई गुस्ताखी की होगी, क्योंकि आप बड़े ही बदतमीज, बदलिहाज और लीचड़ किस्म के इंसान हैं। क्या बदतमीजी है? अरे भैया, बदतमीजी तो मेरे साथ हो रही है। क्या बदतमीजी हो रही है आपके साथ? भैया समझ में नहीं आ रहा है कि इस बार वैलेंटाइंस डे मैं किसके साथ मनाऊं। दुनिया में बहुत पगलेट पड़ी है, किसी को पकड़ लीजिए और मना लीजिए वैलेंटाइंस डे। भैया आपकी कोई रिश्तेदार है क्या? आपके खानदान में बहुत पागल भरे पड़े हैं। I like it. भैया वन मोर। एक नारियल पानी देना दो। आप कुछ फरमा रही थी? हाँ, मैं कह रही थी तिवारी जी कि बचपन से मेरा ख्वाब था कि मैं लॉयर बनूं। थैंक यू। लेकिन आपने तो वकालत की है ना भाभी? हाँ, मैंने लॉ की पढ़ाई तो की है, लेकिन कभी प्रैक्टिस नहीं कर पाई। इस बात का ना हमें बेहद अफसोस रहेगा कि दुनिया एक कुशल वकील से वंचित रह गई। अरे नहीं नहीं तिवारी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कोई ऐसी महान वकील नहीं होती, लेकिन हाँ एक ठीक ठाक वकील होती। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है भाभी जी, आपकी जो ये जो वाक पटुता है ना भाभी, ये आपको कुशल वकील बनाती है। क्या क्या टूटा है? मतलब वाद विवाद करने की जो क्षमता है वो आपको कुशल वकील बनाती है। नहीं तिवारी जी, ऐसा भी कुछ नहीं है। नहीं नहीं भाभी जी, ऐसी बात नहीं है। अगर आप कोर्ट में खड़ी होती और आप कहती कि माय लॉर्ड, ये जो अपराधी कटघरे में खड़ा है ये कातिल है, तो आप विश्वास जानिए जज उस अपराधी के बेगुनाह होने के बावजूद उसे फांसी के फंदे पर लटका देता। गमला कहाँ से गिरा तिवारी जी? पता नहीं भाभी जी, किस कंबख्त ने गमला फेंक के मारा। गिरा तो गिरा कहाँ से? यही तो हमारी समझ में नहीं आ रहा कि गमला गिरा तो गिरा कहाँ से भाभी जी।
ऊपर तो कुछ भी नहीं है, खुला आसमान है। भैया अगर आदमी के दिल खराब हो तो ऊपर से गमले नहीं बम भी गिर जाते हैं। भाभी जी हमें लगता है चलना चाहिए, इस राहगीर की बातों से हमें डर सा लग रहा है। अरे तिवारी जी टेंशन मत लीजिए, और मैं वैसे भी इन सब बातों पे यकीन नहीं करती हूँ। खैर चलते हैं, चलिए। अरे भाभी आप क्या बताएं, भाभी जी हमें तो वो पंडित रामफल ने मजबूर कर दिया है इन सब बातों पर विश्वास करने के लिए। तिवारी जी पंडित रामफल ने आपकी गर्दन पे चाकू रख के बोला है क्या कि आपको इन सब सुपरस्टिशियस बातों पे बिलीव करना होगा? पंडित रामफल ने तो कभी हमारी गर्दन पे चाकू नहीं रखा भाभी जी, लेकिन हमारी अम्मा का हाथ हमेशा हमारी गर्दन पे रहता है। तिवारी जी, तिवारी जी, रुके। पता नहीं ऐसा लग रहा है जैसे कि सर टुकड़े टुकड़े हो गया। मैं देखती हूँ, ऊपर से तो कुछ नहीं टूटा है, अंदरूनी कुछ चोट लगी हो तो। लेकिन ये नारियल गिरा कहाँ से? पता नहीं भाभी जी, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे साथ हो क्या रहा है। और ये नारियल तो सूखा नारियल है भाभी जी, ये पेड़ से कैसे गिर सकता है? हाँ, I really can't believe this. मुझे भी हैरानी हो रही है कि यहाँ तो दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, और कभी आपके सर पर गमला गिर रहा है, कभी नारियल गिर रहा है। आदमी का जब बुरा वक्त आता है ना तो आम के झाड़ से भी नारियल गिरते हैं। हमें ऐसा लग रहा है जैसे इस आदमी की बात में कोनो सच्चाई है, हमारा बुरा वक्त शुरू हो गया है। तिवारी जी आप रिलैक्स करिए, आप एकदम रिलैक्स करिए। मुझे लगता है कि आपको घर जाके ना एक लंबी सांस लेके भगवान को याद करना चाहिए। जी भाभी जी, जिस तरह की घटनाएं हमारे साथ हो रही है उससे तो यही लगता है कि अब भगवान का ही सहारा है। आपको हमरा भी उम्र लग जाए। हाँ अरे नहीं नहीं, वो लिहाज से नहीं बोल रहे हैं बहुरिया, ये घी और आलू का पराठा खिलाओगे तो चर्बी नहीं बढ़ जाएगा का है? नहीं नहीं, हम आपके अंदर क्रोकोडाइल बिल्कुल नहीं बढ़ने देंगे। हाँ अरे वो कोलेस्ट्रॉल होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। और कैसी अम्मा? हम तो ठीक है, लेकिन तू का ये लुटे हुए रियासत के राजकुमार के जैसा मुंह का लटकाया हुआ है। अब क्या बताएं अम्मा, हम कुछ परेशानी में चल रहे हैं। काहे का परेशानी है अम्मा? धंधा थोड़ा गधे की तरह रह गए के चल रहा है, कुछ मन अजीब से तनाव में रहता अम्मा। पंडित रामफल हमको बताए रहे कि तुम्हारी कुंडली में कछु गड़बड़ चल रहा है। हाँ तभी ना सर पे गमले गिर रहे हैं, नारियल फूट रहे हैं और न जाने का। हाय दिया, चोट तो नहीं लगा आपको? कर दिया ना बॉडम पने का सवाल। अरे भारी चीज गिरेगी तो चोट तो लगेगी ना। लेकिन पट्टी नहीं है ना सर पे, के लिए पूछे रहे। तो तुम क्या चाह रही हो, सर पे 10-20 टांके आ जाएं? अरे काहे बहुरिया चिल्ला रहा है, बताए ना, पंडित रामफल खुद ही फोन करके बोले कि तुम्हारी कुंडली में दोष चल रहा है। पंडित रामफल कभी हमारी कुंडली के बारे में अच्छा भी बोले हैं? तो खुद ही घटिया कुंडली बना के आया है, ऊपर से तो दोष काहे दे रहा है पंडित रामफल को। ठीक है सारा दोष हमरा ही है और किसी का दोष नहीं है। अब शांत रहिए ना अम्मा जी, बताइए ना का बोले रहे पंडित जी कुंडली के बारे में।
अब बहुरिया बोल रहे थे कि बहुत गड़बड़ चल रहा है, इका धंधा जो है वो साल भर के लिए ठप पड़ सकता है। What? अ तुम्हारे साथ झगड़ा हो सकता है, अ तुम इका छोड़ करके मायके जा सकती हो। नहीं, हमको नहीं जाना है मायके। पंडित जी का जो उपाय ना ही बताएगा। उपाय तो बताए हैं बहुरिया, लेकिन तनिक कठिन है। का उपाय बताए हैं? अरे हमको बताने में बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन का करे, इके सिवा कोनो चारा भी नहीं है। ठीक बा अम्मा जी, हम ही चारा खाने को तैयार बा, लेकिन हम ही उपाय करेंगे। हाँ अच्छा ठीक है, तो वो आ रहा है ना, का बोलते हैं, वैलेंटाइन डे। हाँ बैल का टाइम डे। वैलेंटाइन पगली ऐसा ही पकड़े हैं। वो दिन ना हम और लड्डू की भैया कहीं बाहर जाएंगे। हाँ बस ये नहीं करना है तुमको। हाँ अरे तो करना का है? वो वैलेंटाइन डे के दिन तुमको बैल के साथ नहीं, कोनो भी पराए मर्द के साथ बाहर जाना है, ठीक है? अरे किसके साथ? अरे कोनो भी गधे के साथ चले जाना, लेकिन ये बैल के साथ नहीं जाना। हाँ अम्मा तुम भी क्या अजीब बात कर रही हो, मतलब अंगूरी हमारे साथ वैलेंटाइन डे नहीं मनाएगी? ये कैसा उपाय बताया पंडित रामफल ने? एक बात बताओ, जुम्मन पिताजी बात बर्दाश्त करेंगे कि तुम किसी और के साथ वैलेंटाइन डे मनाओ? उनका तो बात ही छोड़ दो, उनका खुद ही हमको कितना बार पंडित रामफल के साथ भेजे हैं वैलेंटाइन डे मनाने। दैया हाँ तो करना का है? अरे अभी का अंग्रेजी में बताए हैं, बोले तो हैं कि बहुरिया को कोनो पराए मर्द के साथ वैलेंटाइन डे मनाने भेजो। किसके साथ भेजो? अरे कोनो भी शरीफ आदमी देख करके भेज दो ना, अब ये भी हम ही बताए का तुमको। ओ ना ना ना। और का का करना है अम्मा जी? क्या बेबी? बताओ ना। क्या क्या प्लान है तुम्हारा? कहाँ जाने का भाई? जहन्नुम में। वहाँ तुम अकेले जाओ। जस्ट जोकिंग, वहाँ तो भैया सबको अकेले जाना पड़ता है। विभू मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, बताओ ना अपना वैलेंटाइन डे सेलिब्रेशन का क्या प्रोग्राम है? मैं सोच रहा हूँ इस बार मामा जी के गाँव में मनाते हैं वैलेंटाइन डे। बाजरे के खेत बड़े बड़े हो गए होंगे, वहीं खटिया डालेंगे, तंबू गाड़ेंगे और तुम्हारा वैलेंटाइंस डे वहीं सेलिब्रेट करेंगे। गुड आइडिया। तेरे मेरे तुमने मुझसे मेरी राय पूछी, मैंने तुम्हें अपनी राय बता दी, अब तुम मुझे घूर क्यों रही हो यार? तुम अब भी सीरियस नहीं हो ना? मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, मुझे बताओ कि इस बार वैलेंटाइन डे का क्या प्रोग्राम है हमारा? यार हमारा मतलब क्या होता है? तुम्हें जहां जाना तुम वहां जाओगी, राइट? फिर मुझसे पूछने की क्या जरूरत है यार? और दूसरी बात यह कि जहां तुम जाओगी हम तुम्हारे पीछे पीछे लग लेंगे, हम पीछे लग गए हैं, हम तो लाइबिलिटी है भाई। और दूसरी बात यह कि आपने सुना होगा शहनाई के पीछे तुम ना फालतू के रीजंस देते रहो। यहाँ सब लोग फॉरेन जा रहे हैं। समझ गया। बाय द वे कौन है ये लोग जो अपना प्लान तुम्हें बता के मेरा बैंड बजा रहे हैं? मेरी फ्रेंड मीनल और उसका हस्बैंड अनुराग। ओह द टॉक्सिक कपल। फिर उन लोगों ने थाईलैंड जाने का पूरा प्लान कर लिया है। Wow, Thailand. Exactly. वैसे उनके थाईलैंड जाने का प्लान कैसे बन गया? एक कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करके। कौन से कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करके? एंड टीवी पर चल रहा है प्यार की उड़ान कॉन्टेस्ट, जिसके तहत हर रोज सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 से 11 बजे पूछे जाएंगे कुछ आसान से सवाल, जिसका सही जवाब देकर लकी कपल्स जीत सकते हैं थाईलैंड जाने का मौका। Wow. यार तुम्हारी ये जो मीनल है बड़ी चंटू चीज है यार। हाँ बड़ी तैयारी कर रखी है उसने। अब हर कोई मामा जी के गांव जाने का प्लान नहीं बनाता है ना वैलेंटाइन डे पर।
हाल है जुके भैया? अब तो बताइए कि ऐसा कौन आदमी है जिस पर हम आपके जितना भरोसा कर सकते हैं? देखो पगली, हमारे जैसा इंसान तो तुम्हें हेलोजन बल्ब लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। ऐसा ही पकड़े हैं आप। थोड़े बहुत विश्वास पात्र लोग चल सकते हैं इस काम के लिए। जैसे? अब यही तो सोच रहे हैं। हम बोले का प्रेम चौधरी। ये प्रेम चौधरी का नाम लेकर ना तुमने हमें गाली दी है। गाली दिया काहे? अरे काहे क्या, तुम प्रेम चौधरी के व्यक्तित्व की तुलना हमारे साथ कर रही हो? हमारा शेर जैसा चेहरा और कहां वो भेड़िए जैसा दीपकली, हमारी तुम नोस्ते कर रही हो। अरे प्रेम चौधरी के सामने तुम्हें पेश मतलब उसके साथ तुम्हें भेजने का मतलब है काले बिल्ले के सामने तंदूरी चिकन पेश करना। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल सच कह रहे हैं। अच्छा तो फिर हमको लगता है अब मास्टर जी कैसे रहेंगे, वो तो वैसे भी संस्कारन का पोटली हैं। मास्टर जी हमें कुछ मनगुन्ने टाइप के लगते हैं। का मतलब? मतलब ये कि मास्टर जी के सामने अगर खुली तिजोरी रखेंगे ना तो कुछ गहनों पर तो उनकी नजर भी पड़ी जाएगी। तो तिजोरी बंद कर दीजिए ना। कोई फायदा नहीं है, उनके पास भी मास्टर की है। का बोले? कुछ नहीं, छोड़ो। दिया फिर तो एक ही आदमी है हमारी नजर में जो कि बहुत ही सज्जन भी है और जिस पर आंख मूंद कर भरोसा भी किया जा सकता है और वो कुछ बोलता भी नहीं है। पेलू अगली, तुम्हें जरा सा भी सलीका है तुम्हारे साथ कौन सूट करेगा कौन नहीं करेगा? ये ऐसे तो बहुत सारे सीधे साधे लोग पड़े हुए हैं। अब जैसे वो यादराम का लौंडा है, वो पिछली गली का छिड्डू है, या वो गर्रा पहलवान है, सबके सब बहुत अच्छे हैं बिल्कुल पेलू की तरह, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी एकदम वाहियात है। अरे पगली, तुम्हारे साथ कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसका व्यक्तित्व सुंदर हो, जिसका चरित्र अच्छा हो। दिया आप कितना सोचते हैं हमारे बारे में। फिर तो एक ही आदमी है। कौन? भरभूति जी। नहीं वैसे नाम तो तुमने अच्छा सुझाया है। तो फिर इतना देर से कहा है जवाब दिए? नहीं पगली, दरअसल हम उनका इतिहास खंगाल रहे थे। भले वो असंस्कारशील हैं, उन्हें बेहुदा और बदतमीज भी कह सकते हैं, लेकिन चरित्र के मामले में हमने हमेशा उन्हें सही पाया है। हाँ, ये बात से तो हम आपकी सहमत हैं। काहे कि जब भी हम उनके साथ रहते हैं या वो आते हैं ना हमारे पास बात करने के लिए, हमको कभी भी इंसेक्ट महसूस नहीं होता है। क्या क्या कछु समझे नहीं? इंसेक्ट? इनसिक्योर तो नहीं कहना चाह रही हो? ऐसा ही पकड़े हैं। हमको उनके साथ महसूस ही नहीं होता है कि हम कोनो मर्द के साथ हैं। मतलब मर्द नहीं है? ऐसा ना ही बोले, हम हमरा मतलब है कि वो बहुत अच्छे इंसान है, शरीफ है। नहीं, इसमें कोनो शक नहीं है कि भभूति जी एक अच्छे इंसान है, लेकिन उनकी चरित्र की डालियों पर बदतमीजी के कांटे हैं। कई मामले में वो शरीफ नहीं भी है, लेकिन औरतों के मामले में हमेशा हमने उन्हें सही पाया है। तो वाकई पगली, तुमने अंततः एक सही नाम सुझाया। थैंक यू। रुषा डार्लिंग, तेरी सॉरी रुषा, ये
पीछे के रास्ते से क्यों लेके आई हो तुम? आज कमिश्नर साहब घर पे है का? नहीं, एक्चुअली वो दीदी और जीजू ना पार्टी में गए हैं और वो घर की चाबी रखना भूल गए। दैट्स व्हाई। मतलब पीछे का दरवाजा अली बाबा की गुफा, हम कहेंगे खुल जा सिम सिम, दरवाजा खुल जाएगा। हैं जी? नहीं, ये मेरे घर का दरवाजा ना मेरी हेयर पिन से बड़े आराम से खुल जाता है। आई नो द तरीका। ओके, एनीवेज थैंक यू सो मच गाइस, यू कैन लीव, ठंड बहुत पड़ रही है। आई विल मैनेज। हां या या चुस्मे रोशा, हां हमें कहा कि तुमसे कुछ बात करनी है थी। हां बोलो। एक्चुअली रूसा, तुम्हारा जा वैलेंटाइन पे का इरादो है? वाई वाई यूं कि मैं और टीका सोच रहे थे कि हम दोनों मिलकर तुम्हारे साथ मनाएं वो वैलेंटाइन डे, गुलाब सुलाब, मतलब व्हाट? तुम लोग हाँ मेरे साथ वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करने का प्लान बना रहे हो? या बेबी ओके, मुझे किस 5-स्टार होटल में लेके चलने वाले हो? रूसा जान, हमारी 5-स्टार की हैसियत ना है, कसम खा के कह रही हूँ, कल्लू का ढाबा 1 नंबर है, वहां लेके जाने की सोच रहे हैं। तो जाओ ना ढाबे पर, अपने फेवरेट ढाबे पर, मुझे क्यों लेकर चलना चाहते हो साथ में? ओह माय गॉड, क्योंकि तुम हमारी दोस्त है रही हो यार। यार एक तो दोस्त बोलते हो, ऊपर से इतनी घटिया जगह लेके जाने की बात कहते हो। मैं सिर्फ 5-स्टार होटल में ही जाऊंगी, इज दैट क्लियर? अरे उठा ले फोन भाई, कुछ भी कहो, उम्मीदवार तो भभूति जी ही हैं, सबसे पहले इन्हें इनवाइट कर देते हैं। लेकिन ये फोन तो उठाए यार, इतनी देर से घंटी बजा रहे हैं। भभूति जी तेरी नल्ले का ही नहीं रहे। तो कौन बदतमीज है, कौन गिट्टी फेंक रहा है? रात पे किस पे चिल्ला रहे हो तुम? अरे कोई गिट्टी फेंक रहा है बाहर से बदतमीज आदमी। गिट्टी या तो जाके देखो ना। तो कौन है बे? तिवारी जी, ये क्या बदतमीजी है? गिट्टी क्यों मार रहे दरवाजे में हमारे? ये क्या प्रूव करना चाहते हैं? क्या मोहल्ले के सबसे बड़े छिछोरे हैं? अरे यार भगवती जी, ऐसी बात नहीं है, क्या है कि वो आप जाग नहीं रहे थे ना, तो आपको उठाने के लिए गिट्टी फेंक रहे थे। हेलो भाभी जी। हेलो, लेकिन तिवारी जी जगाने का ये तरीका ना आप जैसे शरीफ लोगों को सूट नहीं करता है। अरे भाभी जी हम क्या करें, हम आपके फोन पे घंटियां घनघना रहे थे लेकिन आप जो है उठा नहीं रही थी। लेकिन बताइए क्यों इतनी इमरजेंसी आ गई थी, क्यों गिट्टियां फेंक फेंक उठा रहे थे हमें, क्या हुआ? वो क्या है भाभी जी की हम दरअसल आपको इनवाइट करना चाह रहे हैं, कल वो दावत है ना, तो आइएगा चाय नाश्ता के लिए। ठीक है आ जाएंगे, चलो। अरे एक मिनट तिवारी जी, लेकिन ये बात तो आप सुबह भी बता सकते थे ना, इस समय क्यों? भाभी जी क्या है कि हम दरअसल दावत को लेकर अति उत्साहित है। लेकिन वो अति उत्साहित दावत क्या, कौन सी दावत अजीम है आपकी? देखिए हमें ये तो नहीं पता कि दावत अजीम है या आजमी है, लेकिन आपका आना लाजमी है। ठीक है, गुड नाइट। स्वीट ड्रीम भाभी जी। गेट लॉस्ट। रूसा होटल में जावे की हमारी हैसियत ना है। जब हैसियत ही नहीं है तो मुझसे दोस्ती क्यों रखी हुई है तुम लोगों ने? तुम लोगों ने ना तो एक पैसे की इज्जत कमाई है और ना ही एक पैसा। अब बताओ क्या बोलूं इसके आगे मैं? कितना बैलेंस है तुम्हारा बताओ? 100 रुपीज प्रीपेड। मेरे पास पोस्टपेड है। तुम लोग बेवकूफ हो, मैं बैंक बैलेंस की बात कर रही हूँ। Too much money. 500 bucks I have. और मेरे पास टीका से ज्यादा है। अच्छा कितना? 501. बस ये तुम्हारा बैंक बैलेंस? गाइस
एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर तुम्हें मेरे साथ दोस्ती कंटिन्यू रखनी है तो तुम्हारे अकाउंट में कम से कम 10-10 लाख रुपए होने चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो अपनी शक्लें मत दिखाना मुझे। नहेंगे भैया, आ जा टीका। आई एम सो सॉरी बॉयज, मैं थोड़ा सा हार्श हो गई, पर तुम लोगों को ना बिना बेइज्जती करवाए कोई बात समझ ही नहीं आती है, तो मुझे ऐसा करना पड़ा। बेबी क्या जाड़ा पड़ रहा है ना, कवर तो जाड़ा पड़ रहा है इस बार। आई नो, जाड़ा तो जाकर वापस आ रहा है बार बार। इस जाड़े की वजह से जो छोटे दुकानदार है ना, होका टाइप्स, उनको बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। कहते बारी जी है ना। तिवारी जी, हेलो। तिवारी जी, क्या तो नहीं बोल गए फिबू? तिवारी जी। जी जी जी, कहिए भाभी जी। कहाँ खो गए आप? क्या बताएं भाभी जी, हम एक्चुअली बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। मैंने कहा था ना तुमसे कि छोटे दुकानदार जो है मुसीबत में है, और ये आ गए अब भीख मांगने। मांगी? ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? अरे पहले सुन तो लीजिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं। सॉरी सॉरी, सुन सुनाइए। भाभी जी, जैसा कि आप जानती हैं, कल वॉक करते हुए हम 3 बार मरते मरते बचे हैं। अफसोस। कैरी ऑन कैरी ऑन। तो इस बात में तो कोई संदेह नहीं है भाभी जी कि हमारे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, और इस मुसीबत से बस आप ही हमें बचा सकती हैं। मैं कैसे बचा सकती हूँ तिवारी जी? भाभी जी, वो क्या है कि पंडित रामफल ने जो तोड़ बताया है। क्या तोड़ बताया? आप खुल के बताइए ना तिवारी जी, क्या हुआ? अरे फूटी है ना मुंह से। अगर भभूति जी I'm still waiting. अंगूरी के साथ वैलेंटाइन डे मना लें तो हमरा गिफ्ट देखा है पहली बार, साजन की आंखों में प्यार। देखा है पहली बार, साजन की आंखों में प्यार। बिबू, तुम कहाँ खो गए? I have absolutely no problem. I'm game. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तुमसे पूछा किसने? मैं तो तिवारी जी को बोल रही हूँ कि ये पॉसिबल ही नहीं है। भाभी ऐसा मत कहिए प्लीज। तिवारी जी आप समझ नहीं रहे हैं, आपके जो पंडित राम फल है ना, ये जो भी भविष्यवाणी करते हैं, ये जो उपाय शुपाय बताते हैं, सब झूठ निकलते हैं, सब गलत निकलते हैं। कभी कभी सच भी निकलता है, इट्स नॉट ऑलवेज। नहीं नहीं अनीता जी, ये बार ना बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ऐसा कछु नहीं होगा। पंडित जी साफ साफ शब्दों में हमको बोले हैं कि लड्डू के भैया का जो खोका है ना, अब हमरा मतलब जो सांप है उसमें आग लग जाएगा, और आसपास जो दुकान वाले है ना पड़ोसी, वो कॉल करके बताएंगे। ये बार सच्ची मामला बहुत ही वायरस है। वायरस तो ये है, आप सीरियस कहना चाह रही हैं भाभी जी? ऐसा ही पकड़ा है। अनु प्लीज हैव अ हार्ट यार, इतनी पत्थर दिल ना बनो यार। प्रभु यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, आई नो एंड टाइम पे आंटी जी का फोन आएगा और बोलेंगे कि ये उपाय शुपाय करने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए सॉरी अंगूरी जी, सॉरी तिवारी जी, ये पॉसिबल नहीं है, नहीं हो सकता है ये।
अरे मैं पूरे साल वैलेंटाइंस डे का वेट करती हूँ कि विभू के साथ ये करूंगी वो करूंगी, यहाँ जाऊंगी वहां जाऊंगी, कितना कुछ, और जब वैलेंटाइंस डे आ गया है तो सॉरी मैं अपने दूध में नमक नहीं डाल सकती। I'm sorry. लेकिन आप तो चाय पी रहे हैं। तिवारी जी, आप चाय में बिस्किट डाल लीजिए। साली मीठी चाय भी फीकी लग रही है, दिमाग भी नोट हो रहा है टीका मेरा। सर हम नंगे भूखे को पास 20 लाख रुपए आएंगे कहां से? लंडो टीका। अरे ठीक है भाई, क्या टाइम पास कर रहे हो तुम लोग? चाचा आप आ गए हो तो टाइम भी अच्छा हो जाएगा। मैं क्या कह रहा था, 20 लाख रुपए का जुगाड़ हो जाएगा। कितने का जुगाड़? सिर्फ 20 लाख का। 20 लाख तो ऐसे मांग रहा है जैसे 20 रुपए मांग रहा हूँ तू। चाचा जी हम सच्ची में मजाक ना कर रहे, हमें 20 लाख रुपए चाहिए, प्लीज दे दो। अभी ये तो बता 20 लाख रुपए चाहिए किस लिए? चाचा मोहब्बत, मोहब्बत का सवाल है। हम गरीब जिससे मोहब्बत करते हैं उसने हमसे कहा है कि हमारे अकाउंट में कम से कम 10-10 लाख रुपए होने चाहिए तभी वो हमसे मोहब्बत करेगी। ये मोहब्बत नहीं तिजारत है। चूस में चाचा जी जगह हो तो है। अबे जिस मोहब्बत में पैसा बीच में आ जाए तो वो मोहब्बत कहाँ रही, बिजनेस हो गया वो तो। माफ करना चाचा, शायद आपने किसी से मोहब्बत ना की है। और क्या, अगर गर्लफ्रेंड होगी तो उसे खिलाएंगे पिलाएंगे, उसके लिए पैसे तो देने पड़ेंगे। अब ये तो है ना कि दांत तोड़ा और ये ले। अरे चाचा जी नमस्कारम नमस्कारम। खुश रहो खुश रहो। पगा लगी। खुश रहो खुश। और चाचा जी कैसे हैं आप? भाई हम तो ठीक है। इन लौंडों को 10 लाख रुपए चाहिए दे दीजिए आप। आप तो ऐसे कह रहे जैसे हमारे पास नोट छापने का टकसाल है। अरे कहीं ममता उमड़ रहे तो आप क्यों नहीं दे देते? अरे अगर मेरे पास होते 10 लाख रुपए तो मैं यहाँ होता, लंदन में बैठा होता मैं। माँ साहब, आदरणीय माँ साहब, हमें सच्ची में 20 लाख रुपए चाहिए। अरे 20 लाख तो हमारे पास नहीं है लेकिन तुम लोगों के लिए एक जॉब है। चुस्मी, कौन सा जॉब माँ साहब? हमने एक भैंस ली है। क्या है ना चाचा जी, संस्कार बेटा बड़ा हो रहा है, उसके लिए भैंस का दूध बहुत जरूरी है। अब तक क्या किसी गिलहरी का दूध पिला रहे थे क्या? तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? अरे चाचा जी अब तक बाजार का दूध पिला रहे थे और आपको तो पता ही है बाजार के दूध में कितना मिलावट होता है, तो हमने एक भैंस खरीद ली। नहीं तो उस भैंस का दूध निकालेगा कौन? अरे ये लौंडे निकालेंगे। अच्छा लौंडो, तुम लोग दूध निकालना जानते हो? चाचा कैसी बातें कर रहे हो? अरे भैंस तो क्या, हमारा टीका बकरे का भी दूध निकाल दे। बहुत माहिर है हमारा टीका दूध निकालने में। अरे क्या तो सही रहा है तू, लौंडा हीरा है ये, एक नंबर का हीरा है भाई। और चाचा मैं? तू जीरा है। वो भी ऊंट के मुंह में। वो कैसे चाचा? अबे सुन, मैं हीरो का व्यापारी रहा हूँ, ऐसे देख के खट से पहचान जाता हूँ कि हीरा असली है या नकली, और ये असली हीरा है मैं बता रहा हूँ। हाँ सब, ये भैंस का दूध निकालेगा और ये लौंडा चारा खिलाएगा। माँ साहब वन क्वेश्चन प्लीज, पैसों कितने दोगे आप? हाँ 5,000 देंगे। 5,000 में तो ये आपका भी दूध निकाल देंगे। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? हेलो भाभी जी। हेलो भरभूति जी, अब हम ना अभी आप ही से मिलने आने वाले थे, का है ना हमको आपसे बहुत ही जरूरी काम है। कहिए। उका है ना कि हमको आपके साथ वैलेंटाइन मनाना है। हेलेन मेरी मॉमी का नाम है, आप वैलेंटाइन कहना चाह रही हैं? सही पकड़े हैं। मैं भी आपसे इसी सिलसिले मिलने वाला था। का? मुझे एक बात बताइए, ये वैलेंटाइन वाली बात अनु के सामने करना जरूरी थी? काहे?
बच्ची अगर आप उसे अलग से कहती ना तो मैं सेटिंग कर लेता, हम दोनों निकल लेते, ठंडा ही नहीं होता कुछ। लेकिन फिर अनीता जी को पता चलता और वो हम पे नाराज होती तो? उसकी आप जरूर सोचिए। लेकिन मतबल मना कर दिया ना उसने, she said no, point blank. तो आप हाँ बोल दीजिए ना। मुझे मैं कैसे हाँ बोल दूँ, मैं मजबूर हूँ, मैं हाँ नहीं बोल सकता, उसे क्या कहूँगा? उनको मना लीजिए। उसने आज तक मेरी कोई बात मानी है, जब मानेगी? तो का आपका आपके घर में बिल्कुल भी ना ही चलता है? ढके छुपे लफ्जों में आप कह सकती हैं कि हाँ नहीं चलती। का भरभूति जी आप हाँ बोल दीजिए ना, हम आपको डाइजेस्ट करते हैं। अभी जी कर लीजिए ना एक बार डाइजेस्ट वंस एंड फॉर ऑल। का बोले? अभी जी वो रिक्वेस्ट करना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं, हम विनती करते हैं आपसे, बोल दीजिए ना हाँ, मना लीजिए ना हमारे साथ वो प्रेम का त्योहार। अभी जी प्लीज, मेरे हाथ बंधे हुए हैं और मेरी मोहब्बत की कैंची में उतनी धार नहीं कि ऐसे रुकावटों की रस्सी को काट सके। अभी जी भूल जाइए वैलेंटाइंस को, मैं चाह के भी आपके साथ नहीं आ सकता। कैसे भूल जाए? हाँ आप ये चाहते हैं कि हमरे लड्डू के भैया मनमोहन तिवारी से मनमोहन भिखारी बन जाए? I don't mind. आप ये चाहते हैं कि हम भिकारन हो जाए? Of course I do mind. का आप ये चाहते हैं कि हमरे लड्डू के भैया का सारा बिजनेस चौपट हो जाए और वो दर दर कर ठोकरे खाए? I don't mind. आप ये चाहते हैं कि हम दूसरों के घरों में जाके झाड़ू पोछा कपड़ा बर्तन ही सब काम करें? Of course I mind. आप ये चाहते हैं कि हमरे लड्डू के भैया चोर बन जाए और चोरी के इल्जाम में जेल चले जाए? I don't mind at all. आप ये चाहते हैं कि लड्डू के भैया के जेल जाने के बाद हम अपने डैडू के साथ हमेशा हमेशा के लिए अपने गांव लौट जाए और कभी वापस ना आए? नो नो बेबी, भाभी जी नो नो नो, नेवर नेवर नेवर। ऑफ कोर्स आई डू माइंड। तो हाँ बोल दीजिए ना। भाभी जी कहना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। आप जानती हैं वैलेंटाइंस डे किसके साथ मनाया जाता है? हाँ जानते हैं किसके साथ मनाया जाता है, अपने प्यार के साथ मनाया जाता है। और हमरा प्यार आप हैं भरभूति जी, आप हमको आपका इसेर जैसा छाती, आपके घोड़े जैसे बाल बहुत ही अच्छे लगते हैं। और वो जो आपका लकड़ बगे जैसा चाल है ना, वो जो आप भचक भचक कर चलते हैं, हाय दिया, उस पर तो हमरा दिल फिदा है, हमको वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो थामिए हमरा हाथ और कह दीजिए आई लव यू। हाय दैया। मम्मी आप ये मिजाज भी रखते हैं, मुझे पता नहीं था कहाँ खोए हुए थे। जाहिर है आप में तो खोया नहीं होगा। भैया जिस दिन मुझे पता चल गया ना कि आप मेरी भाभी माँ के अलावा किसी और के ख्यालों में खोए हैं, मैं उसी दिन आपकी पुंगी बजा दूंगा। कौन है तुम्हें? फ्री में किस करके चले गए और थप्पड़ भी नहीं मारे? आई डोंट लाइक इट। क्या बात कर रहे हो, क्या हुआ उसको? What? Really? Oh my God! लड़की के चक्कर में फिनाइल पी लिया और उसको अपने माँ के दूध की याद नहीं आई? ये आजकल के बच्चे ना अपने माँ बाप को ताक पर रख देते हैं, उनको तो कोई परवाह ही नहीं रहती है उनकी कि उनके बाद उनको क्या होगा, कैसे जिएंगे। बस आशिकी आती है इनको, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड ने धोखा दे दिया तो बस या तो फांसी पर झूल जाएंगे या तो जहर खा लेंगे। एनीवेज ये बताओ डॉक्टर ने क्या बोला? आईसीयू में है अब? हाँ ठीक है, मैं कुछ करती हूँ, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ, बताती हूँ। अरे यार ये कहाँ रह गया कचड़ू? अब चाचा जी सुनिए ना एक मिनट,
आपके पास 50,000 रुपए होंगे क्या? 500 है। आपके पास 500 से आगे एक भी जीरो बढ़ेगा कभी? बेटा जब जीरो दिया मेरे भारत ने तब मुझे इसका पता नहीं था। कैसे वाहियात से जवाब दे रहे हैं आप चाचा जी? अरे तू वाहियात से सवाल पूछ रही है? तू ऐसे किसान से अनाज मांग रही है जिसकी फसल पहले से ही कोई काट चुका है? तो क्या ये किसान अब हाथ पे हाथ धरा बैठा रहेगा हमेशा? यही समझ ले अब तू। आपसे तो उम्मीद करना ही बेकार है। अरे जब उम्मीद होती नहीं है तो बेटा उम्मीद लगाती क्यों? जाज, किसने आपकी उम्मीद का दामन थाम लिया? अरे क्या बताऊं, बहू जो है हमेशा उम्मीद का दामन थाम लेती है, फिर दामन की गांठ जब खोलती है तो उसमें से सिर्फ चमन्नी और अटन्नी निकलती है। यहाँ तो किसी से उम्मीद करना ही बेकार है। विभु। या बेबी। सुनो या छोड़ो, जब तुम्हारे करोड़पति चाचा जी के पास नहीं है तो तुम्हारे पास क्या ही होंगे।